अच्छा जी, अब आज हम लोग जो है ना, अब करेंगे शुरू लेजर्स। हमने कर लिया था। लेजर्स के बाद हमारा आता लॉग इन कर लूं। एसपीआरओ आवाज आ रही है मेरी? जी वली दा रही है। थोड़ा सा मैं लास्ट लेक्चर जरा सा रिपीट कर देता हूँ जो हमने वहां पे किया था। लेजर में हमने सेटिंग्स डिफाइन की थी कुछ लेजर्स की। एक यूनिवर्सल लेजर होता है जिसे लीडिंग लेजर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारा लीडिंग लेजर ये है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंपनी कोड क्या था हमारा? G26। यहाँ पे मैं करता हूँ। यस सर, नॉट सेट एन इंडिकेटर फॉर पैरेलल अकाउंटिंग। अच्छा, पैरेलल अकाउंटिंग वेरिएंट 01 IFRS गैप 60 फंक्शनल करेंसी। यहाँ पे मैं रखूंगा 10 कंपनी कोड करेंसी, ठीक है। पैरेलल अकाउंटिंग का चेक लगा दूंगा, सेव कर दूंगा। अच्छा, ये हो गया T26, ये हो गया। अब आते हैं हम दूसरे लेजर्स पे। अगर इस पे मैंने, अब दूसरे लेजर्स कौन से हमारे जो नॉन लीडिंग है या फिर एक्सटेंशन लेजर्स है। एक्सटेंशन लेजर यहाँ पे अगर आप देखें, दो तरह के लेजर है, स्टैंडर्ड या एक्सटेंशन। एक नॉन लीडिंग होता है, ठीक है, वो पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड लेजर होता है, लेकिन वो जो है लीडिंग लेजर से एंट्रीज नहीं लेता। लेकिन एक्सटेंशन लेजर जो है आपका लीडिंग लेजर से एंट्रीज ले रहा होता है। क्यों होता है? एक्सटेंशन लेजर आप एडजस्टमेंट्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइनेंशियल कह रहा हूँ, फॉरेन करेंसी में अगर आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, दूसरे किसी मुल्क में, वहां की ज्यूरिसडिक्शन अकाउंटिंग की अलग है या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग है, ठीक है, तो उसके लिए आप फिर एक्सटेंशन लेजर लेते हैं। लेट फॉर एग्जांपल, अगर आप लीडिंग लेजर गैप के लिए इस्तेमाल, गैप से मुराद मेरी ये है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। गैप ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर मोटा मोटा मैं आपको समझाऊं, ये कि मेरा बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। मैं बहुत अगर सिंपल समझाऊं, उसका एक फॉर्मेट है। अमेरिका में मुख्तलिफ होता है, कनाडा में मुख्तलिफ होता है, इंग्लैंड में मुख्तलिफ होता है। हर मुल्क के अपने अपने स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन अकाउंटिंग की जो बॉडी है ना ग्लोबल, उसने इन चीजों को एक जगह पे एक फॉर्मेट, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दे दिया है, ठीक है। तीन चार है, एक है गैप GAAP, एक है IFRS, एक है IAS। IFRS क्या है कोई बताएगा? IFRS है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS। GAAP क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। उसके बाद IAS आता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। IAS पुराना हो गया, IFRS और गैप चलता है, ठीक है। तो अब मुल्कों को क्या करना पड़ता है कि गैप या IFRS के
अराउंड दो स्टैंडर्ड्स आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बनाने पड़ते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही, उसमें फिर एडजस्टमेंट, उसमें कैलकुलेशन, उसमें आपकी बथेरी चीजें होती हैं जिसमें एडजस्टमेंट्स आ जाती हैं, डिप्रिसिएशन आया था, टैक्सेशन के बहुत सारे लॉज आके चेंज हो जाते हैं। तो अगर मेरा लीडिंग लेजर गैप पे है, GAAP पे है, लेकिन अगर मैं बिजनेस कर रहा हूँ लेट्स से अमेरिका में या अफ्रीका में, वहां पे गैप नहीं चल रहा, वहां पे IFRS चलता है, तो मैं क्या करूंगा, एक एक्सटेंशन लेजर बनाऊंगा जो लीडिंग लेजर से वैल्यूज उठाएगा, लेकिन ये इसके पीछे जो स्टैंडर्ड लगा हुआ होगा वो IFRS का होगा। इसको चल के देख लेते हैं, K2 पे चले जाते हैं, कंपनी कोर्ट पे गए, एंटर किया, T26 लगाया, फील्डर ग्रुप डबल क्लिक किया, ठीक है। यहां पे मैं अब क्या करूंगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल मुख्तलिफ कर सकता हूँ, या IFRS है, गैप है, IS है, मैं इसको कर देता हूँ IFRS, नहीं पिछले में IFRS की, तो मैं गैप कर देता हूँ, फंक्शनल करेंसी वही 10 और दैट्स इट, सेव किया और सेव हो गया, ठीक है। पोस्टिंग पीरियड में आगे जाके हम लोग चेंज कर देंगे, पोस्टिंग पीरियड में अपना बना लेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हम लोग क्या यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, गैप का फॉलो कर रहे हैं, मैं यहाँ पे गैप डाल दूंगा, गैप गैप डाल, ठीक, सेव किया और सेव हो गया। अब मेरे एक IFRS में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे और एक जो है मेरा बनेगा IFRS में बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, पीछे चलते हैं, ये थोड़ा सा मैंने आपको लेजर्स का वो दिया है। अभी करेंसी टाइप्स में जाऊंगा, क्योंकि करेंसी टाइप से फिर कॉन्फ़िगरेशन मजीद डीप होती जाएगी, तो उसको बाद में जरा मैं अगले उस पर फेज पे ले जाके बात करूंगा। अच्छा जी, एक तो ये हो गया, ग्लोबल पैरामीटर्स पे आ जाए। ग्लोबल पैरामीटर्स से मैं क्या देखता हूँ, मेरे कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैंने अपने कंपनी कोड के लिए क्या किया, कंपनी T26 है, क्रेडिट कंट्रोल एरिया T26 है, फिस्कल वेरिएंट K4 है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट और पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट अभी भी डिफॉल्ट चल रहा है। मैं यहाँ पे वर्क फ्लो वेरिएंट उड़ा देता हूँ, नेगेटिव पोस्टिंग परमिटेड कर देता हूँ। नेगेटिव पोस्टिंग मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, अभी इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अनएबल अमाउंट स्प्लिट, टैक्स बेस इज 9, इसको नहीं छेड़ते, डिफाइन वैल्यू डेट, डिफॉल्ट वैल्यू डेट, ठीक है, वैल्यू डेट आपकी डिफॉल्ट जो जब हम एंट्रीज करेंगे तो वहां पे आपको आएंगे। अब बिजनेस एरिया हम लोगों ने नहीं किया तो हम इसको अभी चेक नहीं करेंगे। बाकी रह गई मैनेज पोस्टिंग पीरियड, ओके, एक्सटर्नल कंपनी कोड, दैट्स इट, सेव। यहां से आपको पता लग जाता है कि आपने अपने कंपनी कोड के लिए क्या क्या यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर रखा है। ये हो गया, पीछे आ जाएं, लेजर्स में मैं फिर जा रहा हूं, लेकिन इस बार मैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट्स जो हैं वो अब डिफाइन करूंगा। फील्ड स्टेटस वेरिएंट्स क्या होते हैं वो पहले मैं चेक कर लूं कि बनाए हुए कि नहीं बनाए हुए, नहीं बनाए हुए मैं करूंगा कॉपी एज 01 को पकड़ता हूँ, कॉपी एज करता हूँ, T26 कर देता हूँ, फील्ड स्टेटस T26 कॉपी ऑल करूंगा, कंटिन्यू करूंगा, सिलेक्ट फील्ड स्टेटस ग्रुप्स। अच्छा, अब ये क्या चीजें हैं, जब हम GL जब बनाने जाएंगे या GL में एंट्रीज करने जब जाएंगे तो वहां पे ये चीजें इस्तेमाल होती हैं। अब वहां पे मैं अब GL अकाउंट कौन कौन से बनाऊंगा, मटेरियल की भी बनाऊंगा, कॉस्ट के भी बनाऊंगा, बैंक्स के भी बनाऊंगा, यानी जितने आपको नजर आ रहे हैं ये मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी। अब होता क्या है, अगर इसमें सादा इसकी मिसाल दूं कि एक कंपनी है, उसके सेल्स का डिपार्टमेंट होता है, HR का होता है, ऑपरेशंस का होता है, असेंबली का होता है, ठीक है, फिर उसमें रेस्क्यू वाले होते हैं, फिर उसमें आपके जेनिटर्स होते हैं, हर एक का अपना यूनिफॉर्म होता है ना। सेल्स वाले, उनको कहा जाता है कि भाई आप सूट्स में रहें, सूट उनका इस तरह होना चाहिए, उस तरह होना चाहिए, उनको एक बाकायदा SOPs होते हैं। इसी तरह ही ऑपरेशंस वाले, उनका एक अपना ड्रेस कोड होता है, SOPs होते हैं।
एचआर वाले उनका अपना एक एसओपी होता है, जो 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 क्लीनिंग वाले होते हैं या जो किचन वाले होते हैं या जो कुक्स होते हैं उनका अपना एक ड्रेस कोड होता है। तो ये जो फील्ड स्टेटस ग्रुप्स हैं ये एक ड्रेस कोड है आपके जीएल अकाउंट्स का। मैं इन मजीद तफसील में नहीं जाऊंगा, सिर्फ इन दो का तकाबुल करूंगा, वो ये कि जनरल में जाता हूँ तो जब मैं जीएल बनाने जाऊंगा और उसमें ये वाला फील्ड स्टेटस वेरियंट जनरल जब उठाऊंगा तो उसमें मुझे कहेगा आपके सामने ये फील्ड्स नजर आएंगी। कौन सी फील्ड्स? असाइनमेंट नंबर, टैक्स, बाकी जितनी फील्ड्स हैं हमने छुपाई हुई। अच्छा, तीन तरीके की फील्ड्स होती हैं आपके पास, यानी जो आप जिन पे काम कर रहे हैं उनको आप या तो ऑप्शनल कर लें, यानी उसमें एंट्री करें ना करें आपको जीएल रोकेगा नहीं, आपको एसएपी रोकेगा नहीं। हाँ, अगर आप रिक्वायर्ड कर देते हैं तो इस फील्ड में बगैर कुछ फिल किए आप आगे नहीं जा सकेंगे, लेकिन अभी तो यहाँ ऑप्शन है, अगर मैं रिक्वायर्ड इसको कर दूं फिर मुझे आगे नहीं जाने देगा। सप्रेस का मतलब ये सप्रेस जो है ये हाइड कर देता है, बिल्कुल छुपा देता है। इसने यहाँ पे मुझे दो चीजें सिर्फ ऑन करके दिखाई। अच्छा, अब मटेरियल मैनेजमेंट में अगर जाऊं तो यहाँ पे ऑप्शनल एंट्री परचेज ऑर्डर रख दिए, तो परचेज ऑर्डर की भी इसने मुझे फील्ड दिखा दी। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, मैंने एमएम का कोई बनाना है, मटेरियल के कंजम्पशन का बनाना है, मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ, मटेरियल मैनेजमेंट पे जाता हूँ। जनरल में मटेरियल मैनेजमेंट सिर्फ परचेज ऑर्डर नजर आ रहा था, यहाँ पे बहुत सारी चीजें परचेज ऑर्डर के साथ मुझे कस्टमर गुड्स, वेंडर गुड्स, इसके अलावा एक्सटर्नल जीए अमाउंट इन लोकल करेंसी मुझे दिखा रहा है। अभी जीए अमाउंट क्या है याद नहीं क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे ज्यादा जो रेलिवेंट है ना मटेरियल से वो फील्ड आपको नजर आएंगे। अब एसेट अकाउंटिंग में चला जाऊं तो यहाँ पे रिटायरमेंट और एसेट नंबर ये फील्ड मुझे दिखा रहा है। अच्छा, रिक्वायर्ड तो मैं बता देता हूँ, ऑब्लिगेटरी ड्यू डेट ये वाला दिखा देता हूँ। यहाँ पे पेमेंट ट्रांजेक्शन्स पे अगर जाऊँ तो रिक्वायर्ड एंट्री इसने ड्यू डेट की। अब मैं ड्यू डेट जब तक नहीं डालूंगा तो ये आगे मुझे जाने नहीं देगा, तो मुझे एंट्री नहीं करने देगा। तो ये बेसिकली वहां पे आपके इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। पीछे गए, सेव किया, सेव हो गया, इसको असाइन करें T26। T26 पे 01 लगा हुआ था, अब मैं इसको T26 दे देता हूँ, सेव कर देता हूँ, ये सेव हो गया। अच्छा, इसके अलावा मेरे पास ये अच्छा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमने पढ़ लिया, अकाउंटिंग लेजर ग्रुप्स की हमने देख लिए, इसको हम पर फिस्कल ईयर वेरिएंट जो हम लोग K4 करते हैं वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये है जी K4, क्या है? कैलेंडर ईयर एंड फोर स्पेशल पीरियड्स। अब ये क्या है? 12 महीने तो आपके अकाउंटिंग के एंट्रीज के लिए सारा साल खुला रहेगा, लेकिन जो चार है ये ईयर एंड पे जब आप बुक्स क्लोज कर रहे होते हैं फॉर द ईयर, वहां पे आपने एडजस्टमेंट्स करनी है, टैक्स की एंट्रीज डालनी है, अनपेड इनवॉइसेस डालनी है, इनवॉइसेस जो क्लियर करनी वो करना है, जो मटेरियल क्लियर करना है वो उसकी एंट्रीज डालनी है, जीआर आईआर की क्लियरिंग है वो डालनी है, इसके अलावा एसेट की एंट्रीज है, अनप्लान्ड डेप्रिसिएशन है, फिर उसमें एमएम की एंट्रीज है जिसमें परचेज ऑर्डर अगर ओपन है क्लोज करने हैं, प्रोडक्शन ऑर्डर्स है वो क्लोज करने हैं। तो ये आपके जो चार एक्स्ट्रा महीने ये इसलिए दिए जाते हैं, जो एंट्रीज नहीं हो सकी है, जो एडजस्टमेंट्स आपने डालनी है या टैक्स कैलकुलेशन वो सब इधर आ जाती है। 12 महीने आपने किया, सारा साल चलाया आपने, उसके बाद 4 महीने जब आपने क्लोज करना है ईयर, आपने कैरी फॉरवर्ड करना है, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है, तो भी आप इन 4 महीनों को इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कैलेंडर ईयर क्या होता है? जनवरी टू दिसंबर। नॉन कैलेंडर ईयर कौन सा है? यहाँ पे जैसे ये अप्रैल टू मार्च या जुलाई टू जून। मैं जुलाई टू जून पे आता हूँ, नीचे अगर आऊँ पेज डाउन करके, ये जुलाई टू जून 26 आ गया, ठीक है। इसको मैं करता हूं। अब यहां पे मुझे क्या बता रहा है, ये मैंने जुलाई टू जून का उठाया, कौन सा? जुलाई टू जून, इसमें 12 पोस्टिंग पीरियड्स हैं और 4 स्पेशल हैं। अच्छा, यहाँ पे कैलेंडर ईयर चेक नहीं है, क्यों? ये जनवरी टू दिसंबर कैलेंडर ईयर, क्योंकि आपका कैलेंडर जनवरी से चलता है, तो कैलेंडर ईयर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे इसने -1 किए, ये अभी इस पे हम बाद में आते हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। ये 7वां महीना कैलेंडर का कौन सा होता है? जुलाई, 31 दिन होते हैं उसके।
लेकिन चूंकि आपका फिस्कल ईयर जो है जुलाई से लेकर जून तक है, यानी जुलाई 2022 से लेकर जून 2023 तक का आपका जो फिस्कल ईयर होगा वो 2022 में ही काउंट होगा, ठीक। तो आपका पहला महीना जो है वो जुलाई है, और फाइनेंशियल ईयर में भी आपका पहला जो महीना है वो जुलाई होगा, जनवरी नहीं होगा। तो उसके साथ आप लगा देंगे जीरो, क्योंकि आप 2022 का फिस्कल ईयर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक। नीचे आता हूं। अच्छा, यहां पे आप 12वां महीना है, कौन सा 12वां महीना कौन सा था? दिसंबर कैलेंडर का, ये जो मंथ है कैलेंडर का है, लेकिन यहां पे आपके पास ये इख्तियार है कि आप इसे छठा महीना कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, छठा महीना आपका दिसंबर है यहाँ पे, क्योंकि आपने जुलाई टू जून चल रहा है, तो आपका ये 2022 ही चल रहा है। अब आता है 2023 जनवरी। 2023 जनवरी जैसे ही आया तो वो 2023 कर देगा 2022 के बजाय, ऐसे ही है। और आपकी किताबों में, बुक्स में ये 7वां महीना है, तो आप उसे कहेंगे भाई 2022 में अभी नहीं जाना, आपको 6 महीने लेट जाना है। तो आप क्या करेंगे, 2023 को -1 कर देंगे, तो आपका हर महीना एक साल पिछले साल में चला जाएगा, ठीक। तो ये चलेगा कहाँ तक चलेगा, ये छठे महीने तक जाएगा, यानी जो आपका 12वां महीना आपके बुक्स में होगा वो जून का होगा, और वो आपके फाइनेंशियल ईयर के मुताबिक आखिरी महीना होगा। इसके बाद आप क्लोज कर देंगे बुक्स। समझ में आ गई? नहीं आई? आ गई? चलिए। नो सर, रिपीट कर लें। अच्छा, V6। देखिए, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं, जैसे अमेरिका में कैलेंडर ईयर चलता है। मैं आपको पहले कैलेंडर ईयर दिखाता हूँ। K4 है, इसमें हमने देखना है कौन से साल है। इसमें जो होता है ना, अच्छा अच्छा यहाँ पे कैलेंडर ईयर जितने भी हैं उनको कैलेंडर ईयर यहाँ से मार्क किया हुआ है, ठीक है। कैलेंडर ईयर कौन से होते हैं? जो जनवरी टू दिसंबर होते हैं। डबल क्लिक, पीरियड्स कैनॉट मेंटेन फॉर कैलेंडर डिपेंडेंट फाइनेंशियल ईयर पीरियड्स, यानी जो कैलेंडर के साथ चलते हैं आपने उनके पीरियड्स मेंटेन ही नहीं करने, कोई जरूरत ही नहीं। हाँ, जो कैलेंडर से हटकर हैं, जैसे अप्रैल टू मार्च है या जुलाई टू जून है, वो आपने मेंटेन करना। कैसे मेंटेन करना है ये मैं बता देता हूँ। देखिए, जब जुलाई टू जून होता है आप क्या करते हैं, यहाँ अब आपका फाइनेंशियल ईयर, अब अमेरिका में जनवरी टू दिसंबर चलता है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह यहाँ पे चलता है जुलाई टू जून। उसकी वजह क्या है कि जब यहाँ पे जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने जब टैक्स जमा करना होता था तो वो गंदम की कटाई के बाद शुरू करते थे। गंदम की कटाई आपकी जुलाई जून में होती है। जब वो गंदम बिकना शुरू हो जाती थी या बिक जाती थी, तो उसके बाद वो टैक्स कलेक्ट करते थे, जमा करते। तो उन्होंने फिर क्या किया, उसको शिफ्ट किया कहाँ, जुलाई टू जून से, कि भाई जुलाई से ये टैक्स देना शुरू करेंगे, तो अगली जून तक जाके जो है वो फिर अपने सारे अकाउंटिंग के प्रोसेसेस वगैरह जो थे उन्होंने इसी तौर पे डिजाइन किए हुए थे, ठीक है। अच्छा, उससे हुआ ये कि बजाय आप कैलेंडर ईयर के साथ चलने के, आपने 6 महीने आगे से अपना साल शुरू किया, यानी जुलाई से किया। अब जुलाई मेरे लिए जो है, कैलेंडर कहता है ये 7वां महीना, मैं कहता हूँ एसएपी में ये पहला महीना, क्योंकि मैं जुलाई से शुरू करना चाहता हूँ। तो एसएपी कहता है ठीक है, फिर आपका उसका ईयर शिफ्ट 0 होगा, क्योंकि आप 2022 जुलाई से अपना 2022 शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह करते करते 8वां महीना यानी अगस्त आ जाएगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर कैलेंडर ईयर का, लेकिन मेरी किताबों में पीरियड 6 होगा, ठीक, यानी छठा महीना होगा। अभी मेरा यानी आधा साल मेरे कंपनी का पूरा हुआ है। ईयर शिफ्ट 2022 है तो 0 ही होगा। ईयर शिफ्ट नहीं कर रहा मैं, पीछे नहीं लेकर जा रहा, लेकिन जैसे ही मेरा 7वां महीना चढ़ेगा, जो के चूंकि जुलाई टू जून है, तो 7वां महीना मेरा क्या होगा, दिसंबर के बाद जनवरी। जब जनवरी चढ़ेगा तो
तो कैलेंडर क्या कहेगा जी जनवरी है तो मेरे हिसाब से 2023 है। हम कहते हैं नहीं, ये 2023 नहीं, ये 2022 है। वो कहेगा कैसे? हम कहेंगे इस तरह के, हम उसको -1 लगाएंगे, वो 2022 का बन जाएगा, होगा वो 2023 का। लेकिन जब उसको रिपोर्टिंग के लिए हम अपनी एंट्रीज करेंगे ना, तो 2022 का ही शो करेगा फिस्कल ईयर। और हमारी किताबों को 7वां महीना होगा। आई समझ नहीं? फिर चलते चलते यहां पे आके छठा जब महीना आएगा, जनवरी से लेकर जून तक 2022 आके यहाँ पे खत्म होगा। तो ये आपके कैलेंडर ईयर का जून है 2023 का, लेकिन इसकी रिपोर्टिंग होगी 2022 में। आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज 2022 होगा। लगी समझ? लगी समझ? ओके गुड। अच्छा ये हो गए। अच्छा अब पीरियड टेक्स्ट भी देख लेते हैं इनके। वही पीरियड 1 कौन सा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड सो ऑन, इसी तरह चलता रहेगा। ठीक है, और 7वां महीना इसमें यहाँ पे इसने खुद ही बता दिया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई सारे। असल में ये है कौन से, जर्मन में इसने दिया है स्पेशल पीरियड 1, टू, थ्री एंड फोर। ठीक, अब इसे इंग्लिश में दे दिए। ठीक है, तो इस तरह आप ये 16 तक इसने सारा अपना इंग्लिश और जर्मन दोनों में दिया। ठीक है, ये हो गया एडिट फिस्कल ईयर कैलेंडर। असाइन, ये भी असाइन कर देते हैं T26, K4 लगा हुआ है। ठीक है, K4 ही बना दो। अब आते हैं पोस्टिंग पीरियड्स की तरफ। डिफाइन वेरिएंट्स फॉर ओपन पोस्टिंग पीरियड्स। यहाँ पे अब हम T26 देंगे, वो हमें नहीं मिल रहा। T01 इसको उठाते हैं, कॉपी एज T26, पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट 6, सेव। T26 को मैं कॉपी कर लेता हूँ, पीछे जाता हूँ, असाइन वेरिएंट्स टू कंपनी कोड, यहां पे जाके मैं T26 करूंगा। सिक्स सेव। ओपन एंड क्लोज पोस्टिंग पीरियड। अब ये क्या, ये मैं आपको बताता हूं। यहां पे मैं करूंगा मेंटेन ऑल, बल्कि नहीं, ओपन एंड क्लोज 0001 उठाऊंगा। कॉपी एज, कॉपी एज, मेंटेन ऑल, 0001 के सारे उठा लेता हूँ। कॉपी एज T26, अच्छा जी। अब हो क्या रहा है कि ये मेरा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट है। अब ये होते क्या है कि जब आप पोस्टिंग करनी होती है ना, तो आपने जो पोस्टिंग पीरियड इनको ओपन करना होता है ताकि इसमें एंट्रीज जा सके। अब यहाँ पे इसने क्या किया हुआ, 2023 तक खोला हुआ है, जो कि गलत है। महीने का सिर्फ एक ही खोल सकते हैं आप SAP के प्रोडक्शन में। प्रैक्टिस गलत है, आप सारे महीने खोलकर नहीं चला सकते हैं। ये 12 भी नहीं देना चाहिए, यहाँ पे भी एक ही देना चाहिए, लेकिन चले फिलहाल 12 नहीं, तो सब प्रैक्टिस के लिए। अब ये है क्या पीरियड 1 कौन सा, जुलाई टू जून,
और ये है आपके स्पेशल पीरियड्स। अच्छा, जुलाई टू जून 2022, क्योंकि हम 2022 में बैठे हैं ना। इसके बाद आता है ये ऑथराइजेशन ग्रुप, ये आपके यूजर्स को लगता है जिन्होंने इन पीरियड्स में एंट्रीज डालनी है, एडजस्टमेंट्स डालनी है। हर यूजर नहीं डाल सकता, तो आप ऑथराइजेशन ग्रुप बनाते हैं। लेट्स से ये आपका एमएम है, मटेरियल है, एम फॉर मटेरियल। ये मटेरियल के जितने अकाउंट्स हैं उसमें 1 to 12 ओपन है और 13 to 16 ओपन है। एस जो है ये जीएल अकाउंट्स हैं, ये भी इसी तरह। के वेंडर्स हैं, डी आपके कस्टमर्स हैं, ए एसेट्स हैं, प्लस का मतलब है सारे अकाउंट्स हैं, जितने हैं ना इन सारे अकाउंट्स हैं। इनकी लिमिट दी हुई है, यहाँ पे रेंज दी हुई है, खाली का मतलब है सारी रेंज, और ये खाली से लेकर जी तक यानी आखिरी रेंज तक, शुरू से लेकर आखिर, इसी तरह ये सारे आपके सब अकाउंट्स में भी इसी तरह इसने सारे पीरियड्स ओपन किए। तो ऑथराइजेशन ग्रुप जब मैं एमएम पे जाऊंगा तो मैं कहूंगा एमएम एडजस्टमेंट, ठीक है। और इसी तरह जीएल एडजस्टमेंट, इसका होगा एसेट एडजस्टमेंट, डबल ए एडजस्टमेंट, ठीक है, एसेट अकाउंटिंग का। ये होगा कस्टमर एडजस्टमेंट, ये होगा मेरा वेंडर एडजस्टमेंट। अब ये जब मैं बना दूंगा, ठीक है, ये जाके फिर मैं यूजर्स के प्रोफाइल में जाके लगाऊंगा। लेट्स से मैंने ये वो किया, मैं सेव करता हूँ। अब मैं जाऊंगा SU01 यूजर वली 3 चेंज। अब यहां पे ऑथराइजेशंस आते हैं, जैसे ही उसने ऑथराइजेशन ग्रुप कहा था ना, यहां पे अब मैं इसको वो दे दूंगा, डज नॉट एग्जिस्ट, मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहां पे ये बताने का मकसद ये, इस तरह मैं यूजर को असाइन कर सकते हैं कौन से पोस्टिंग के पीरियड वो अपने तौर पे इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको करता हूँ डिलीट। हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने वो आप देख ले, उसने ऑथराइजेशन ग्रुप जो है वो हमने बना दिया, हमें डिफाइन करने पड़ेंगे, तो ये इसके साथ फिर इंटीग्रेट हो जाएगा। आई होप यू आर क्लियर। और एक चीज मैं आज सिखा दूं आज के लिए, OB08 आपके फॉरेन एक्सचेंज के रेट्स जो है करेंसीज के, वो मेंटेन करने के लिए होता है। अब यहाँ पे क्या है मैं आपको बताता हूँ, देखें 01/01/2001 इस डेट को एक यूरो कितने यूएस डॉलर्स का है, 0.94 यूएस डॉलर्स का है, ठीक है, और 0.94 यूएसडी इज इक्वल टू 1 यूरो, यानी 94 पैसे यूएसडी, यूएस पेंस अगर मैं दूंगा तो मुझे 1 यूरो उसके बदले में मिल जाएगा। ये इनडायरेक्ट कोटेशन है, ये डायरेक्ट कोटेशन है। अच्छा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है ये भी बता देता हूँ। डायरेक्ट ये होता है कि जब मैं एक का डिनोमिनेशन इस्तेमाल करूं तो मुझे बदले में क्या मिल रहा है, वो डायरेक्ट कोटेशन है। हाँ, एक के बजाय कोई और नंबर है, ठीक है, और बदले में मुझे एक कोई करेंसी किसी की मिल रही है, तो इनडायरेक्ट कोटेशन हो जाएगा। इसका सबसे आसानी है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एंट्री डाल के आपको दिखाता हूँ।
एक्सचेंज रेट हम लोग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ आपको चार्ट्स दिए गए होंगे, करंट एक्सचेंज एवरेज हम लोग करते हैं स्टैंडर्ड एट एवरेज रेट, वैलिड फ्रॉम 01 डॉट इनडायरेक्ट कोटेशन टी के आर हमने करना है, टी के आर इज इक्वल टू यूएसडी, वन यूएसडी आ जाएगा, कितने टी के आर, एक टी के आर जो है हमें कितने में मिलेगा, आज का रेट क्या भाई 207, सात कर लेते, 1/207 0.004 8. तो आप क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट कोटेशन में एक रुपया एक्सचेंज वाले को दे रहे हैं, वेस्टर्न यूनियन को, और उसे कह रहे हैं कि मुझे इतने यूएसडी दे दो, कितने, एक रुपए में आपको इतने यूएसडी आ जाएंगे आपके पास, ठीक। अच्छा 0207.2022 PKR यूएसडी एक यूएसडी एक यूएसडी इतने पी के आर। अच्छा इसके अलावा 1 USD कितने ठीक है, समझ में आ गया? हाँ भाई समझ में आया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ गया, रेशियो, यस ओके गुड। तो इस तरह भी आप फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज रेट्स मेंटेन कर सकते हैं, आपके एंट्रीज में फॉरेन करेंसी की कैलकुलेशन भी चलती है। यहाँ पे आज मैं आपका लेक्चर